हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? इंशाल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ गट्टे की सब्ज़ी, बेसन के गट्टे की सब्ज़ी। तो बस उसी चीज़ की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन ड्राई रोस्ट कर लिया है और साथ में मैंने इसमें कुछ मसाले भी ऐड किए हैं, जैसे कि नमक, लाल मिर्च पाउडर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, गरम मसाला पाउडर। मिक्स करके अच्छे से इसमें थोड़ा सा ऑयल भी मैंने ऐड किया है ताकि एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से बने। तो बस इसको एक आटा जैसे तैयार कर लेना है, उसके बाद इसको गोल गोल करके बना लेने हैं, बॉल्स बना लेने हैं इसके। और यहाँ कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी रखा हुआ है बॉयल होने के लिए, तब ये गोल गोल बन जाएंगे। उसके बाद में पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर उसको डाल देंगे। और साथ में प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बना रही हूँ और साथ में दाल भी मैंने बनने के लिए रख दिए, तो दाल में मिक्स दाल बना रही हूँ। और साथ में भिंडी की सब्ज़ी भी, पापा जी के लिए हरी सब्ज़ी भी बहुत ज़रूरी है बनाना, तो उनके लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई है हरी मिर्च वाली। तो यहाँ पे हमारे जो बेसन के बॉल्स थे वो हो गए हैं तैयार। बस यहाँ पे मैंने डोरे में निकाल लिया है और कढ़ाई ली है, फिर से वही वाली कढ़ाई मैंने धोकर यूज़ कर ली है। उसमें ऑयल डाला है एक चम्मच के करीबन और बस यहाँ पे जो मैंने खड़े मसाले लिए हैं, कुछ लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता, फूल, तो वो सारी चीज़ें डाल दी हैं। उसके बाद में ये अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डाल दिया है और उसके बाद में सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं इसमें। तो बस मसाला एक साइड में भुन रहा है हमारा और इसको धीमे धीमे आंच पे भुनने रख देंगे। और यहाँ पे साथ में मैंने दाल भी चढ़ा दी है बनने के लिए और साथ ही मैं बना रही हूँ चावल, क्योंकि बच्चों को चावल पसंद है, चावल बच्चे खा लेते हैं, तो इसलिए थोड़े से ही चावल बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं, और हम लोग तो रोटी खाएंगे। तो बस यहाँ पे मसाला भी अच्छे से भुन रहा है, तो साथ ही मैं दाल को फ्राई करने के लिए प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ये सब काट कर रख रही हूँ। जब हमारी दाल बन जाएगी, दाल में सीटी आ जाएगी दो, तो उसके बाद मैं दाल को फ्राई कर दूंगी। और साथ ही मैं बस ये सारे काम चलते जा रहे हैं। तो आटा भी गूंथ कर रख देते हैं क्योंकि रोटी में अभी नहीं बनाऊंगी, रोटी में बाद में ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे बस ये जो मसाला था वो बहुत अच्छे से भुन गया है, इसके साइड में, चारों साइड में ऑयल आ गया था। तो उसके बाद में जो हमने बेसन के बॉल्स बनाए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। पानी हमें उसका पानी नहीं हटाना है, पानी के साथ ही हमें इस बॉल्स को यूज़ करना है। तो बस वो एक साइड में रख दिया है, डाल के हल्की हल्की धीमी धीमी आंच पर वो पक जाएगा और ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना है क्योंकि बॉल्स तो पहले से पकी हुए हैं, बस थोड़ा सा बॉयल आने तक ही पकाना है इसको। तो बस यहाँ पे वो हो चुके थे, उसके बाद में हरा धनिया मैंने डाल दिया है इसमें और दाल भी मैंने अच्छे से फ्राई करने के लिए रख दी है। तो बस दाल में वो जो मैंने हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक ये सारी चीज़ें ली थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं और फ्राई करके तड़का लगा दिया है। तो बस ये देखिए हमारा खाना है रेडी। आ जाइए आप लोग भी, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। और तो ये था हमारा आज का लंच, सिंपल सा खाना हमारा। और ये देख रहे हैं आप लोग, ये शाम का वक्त है और इस टाइम पे देखो कितने घने बादल हो रहे हैं, एकदम काला काला सा बादल हो गया है पूरा। और बस अभी थोड़ी देर पहले हम लोग छत पे ही बैठे थे सभी लोग, तो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि कितने घने बादल हो रहे हैं। और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी बारिश जैसा मौसम हो रहा था। अब देख सकते हैं आप लोग, हल्की हल्की बारिश भी आ चुकी है। और अभी देखिए जब मैं ऊपर छत पर थी तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अभी जाके बहुत ज़ोरों का पानी आया है, लेकिन इतना ज़ोर का भी नहीं है हल्की हल्की सी बूंदाबांदी ही हो रही है, लेकिन पहले से ज़्यादा है। तो मौसम भी बहुत अच्छा है,
तो अभी इस टाइम पे हमारा पीने का मन हो रहा है दालगोना कॉफ़ी, तो चलिए किचन में चलते हैं, दालगोना कॉफ़ी बनाते हैं और ठंडे ठंडे मौसम के साथ में गरम गरम कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में और ये ग्लास मैंने ले लिया है, तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी शक्कर कॉफ़ी और साथ में बिल्कुल इतना सा पानी। दिखाती हूँ आप लोगों को कितना चाहिए। मैंने कॉफ़ी देखी थी, वो कॉफ़ी पूरी जम चुकी थी क्योंकि बारिश वारिश का टाइम है तो कॉफ़ी अक्सर जम जाती है, तो वो पूरी बॉटल जो रखी हुई थी पूरा बड़ा पैक, तो वो पूरा का पूरा जम चुका है। तो फिर उसके बाद में मैंने ये पैकेट मंगाया था, तो वो सस्ती से बना रहे हैं और देख सकते हैं आप लोग मैंने कितना थोड़ा सा पानी इसमें लिया है और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करना है और मिक्स ही करना है। और आप लोग देख सकते हैं ये कितना फ्लफी सा एक झाग बन के तैयार हुआ है। और इस तरह से बनाने से ये कॉफ़ी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है। वैसे मैं कॉफ़ी नहीं पीती थी लेकिन इस तरह से मैंने ये बनाना सीखा है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कॉफ़ी तब से। और इसी के साथ में हम थोड़ी सी इसमें मलाई भी ऐड कर देंगे, फ्रेश मलाई, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये तैयार है हमारी दालगोना कॉफ़ी, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। वैसे तो बहुत से लोगों को आती ही होगी कॉफ़ी बनाना। बच्चों की यहाँ पे चल रही है मस्ती और बच्चे बोल रहे थे कि हमें डीजे चलाना है, तो माइक उन्होंने लिया है। आप लोग बोल भी रहे थे कि अप्पी आपकी आईब्रोज बड़ी हो रही हैं, तो हाँ मैंने ना जब मैं यहाँ से मुरैना गई थी ना अपने मायके मार्च में, तभी मैंने अपनी आईब्रो बनवाई थी और तब से मैंने अपनी आईब्रो नहीं बनवाई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनकी रियलिटी ये है और कितनी मोटी मोटी हो रखी हैं ये। तो आज मैं वो काम करने जा रही हूँ जो मैंने आज तक नहीं किया है। तो भाई आईब्रो बनाने के लिए मैंने सब मशीन वशीन निकाल कर रखी है, ये स्वीट की ये आईब्रो अपर लिप्स बनाने के लिए है, टूट भी चुकी है तो यहाँ पे टैप लगा दिया है हमने, जुगाड़ किया है। और ये थोड़ी देर पहले मैंने जब देखा था तो ये चल नहीं रही थी, लेकिन अभी इन्होंने जुगाड़ करके इसको ठीक कर दिया है, तो अभी इससे ही बनाएंगे हम। लेकिन बहुत अच्छे से संभाल के मुझे करना पड़ेगा और मेरी अपर लिप्स भी बढ़ रही हैं, आईब्रोज भी बढ़ रही हैं। और मैं सोच रही थी जब पार्लर खोलेंगे तो मैं जाऊँगी, लेकिन जाना नहीं हो पा रहा है मुझे पार्लर वालर। ये मेरे बाल कट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने मुझे बोला कि आपके दो मुंह ही बाल हो रहे हैं, तो लाओ मैं कट कर देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आते हैं कट करना। तो ये मेरे साथ में मजाक कर रही थी कि मैं आपके बाल ज़्यादा उड़ा दूंगा, लेकिन ऐसे ही बस मस्ती मजाक चलता रहता है हम दोनों में। कि बहुत अच्छे से बाल कट किए थे इन्होंने, तो बाल वाल कट करवाने का मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन इन्होंने देखे तो फिर उन्होंने बोला कि चलो मैं कट कर देता हूँ। ये मेरे बाल कट के हैं रेडी एकदम, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं जाऊंगी पार्लर जाऊंगी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कहीं जाना हो भी नहीं पाया है। अब चलिए बाल कटिंग हो चुके हैं, अब बनाते हैं आईब्रो। तो आईब्रो बनाने से पहले हम इसमें लगा लेते हैं पाउडर। बन चुकी है, अब बनाते हैं दूसरी वाली आईब्रो। मेरा ये वाला हाथ अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो अभी ये है तो इनसे पूछती हूँ ये बना देंगे मेरे या नहीं, क्योंकि मेरा ये वाला हाथ अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तो मैं यहाँ पे इनसे बोल रही हूँ कि मेरी आईब्रो बना दोगे क्या, क्योंकि लेफ्ट हैंड से मुझसे नहीं बन पा रही हैं और जो बाल
की ग्रोथ है वो लेफ़्ट साइड में ही जा रही है, तो इसीलिए मेरा हाथ नहीं चल पा रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि मुझे बनाना तो नहीं आती है लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बाल कितने उसको छोटे छोटे से वहाँ पे लेना है और आईब्रो के अंदर नहीं घुसना है, ठीक है? बना पाओगे या नहीं? ट्राई करते हैं। उस तरफ से बड़े वाले नहीं, छोटे वाले साइड से यहाँ से बनेंगे। नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या किया? ओ थोड़ी सी नीचे हुई, हल्का सा बाल उड़ा दिए इन्होंने मेरे यहाँ से। ये देखो हल्का सा हुआ है, कुछ नहीं। आपसे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेती। मैं पहले बोला देखो मुझे तो नहीं आती। चलो ठीक है, घर की खेती है, पड़ जाएगी फिर से आ जाएंगे यहाँ पे बाल। अभी तो आईब्रो पेंसिल लगानी पड़ेगी यहाँ पे, तो इससे नहीं दिखेगा। आलिया को नींद नहीं आ रही है इस टाइम पे, ये देखो आलिया है। अच्छा बेडशीट की बहुत तारीफ हुई है भाई, कहाँ से ली है, कितने में ली है, ऑनलाइन ली है या ऑफलाइन ली है? तो ये बेडशीट मैंने ली थी मोरेना से, इसके साथ में एक और बेडशीट जो इससे पहले भी थी कार्टून वाली वो भी ली थी साथ में ही, तो मोरेना से ही ली है मैंने ये दोनों बेडशीट। दोनों ही मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी में लगी है, कपड़ा भी इनका बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी साफ भी हो जाती है, वॉशेबल भी बहुत अच्छी है, चाहे जैसे इसको वॉश कर सकते हैं और बिछाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं, देख सकते हैं आप लोग भी, बहुत पसंद भी है आप लोगों ने। तो इसकी रेट मैं आप लोगों को बताऊंगा, ज़्यादा की नहीं है ये, 450 के समथिंग की कुछ है। इसके साथ में दो पिलो कवर भी आए थे और ये कुछ ऐसे ही, और आप लोग भी देख सकते हैं कि बेडशीट कितनी बड़ी है। तो चलिए वीडियो का एंड भी यहीं करते हैं, मिलते हैं फिर से अपने एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय बेटा, अल्लाह हाफिज़ बोलो।